दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक फ़ोन जो है जियो वन क्यू। लेकिन इस पर तो कितने सारे वीडियो बन गए और आज मैं इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो इसका एक ही मकसद है। ये जियो फ़ोन कोई आम फ़ोन नहीं है, ये जियो फ़ोन है अपना नया वाला जियो फ़ोन। नया वाला क्यों, क्योंकि 1500 वाला नहीं है, ये एक्सचेंज ऑफर वाला फ़ोन है जो 501 रुपये में ही मिलता था। जो हमारा पुराना फ़ोन देके उस पर 501 देने का और ये फ़ोन मिलता था। तो इस फ़ोन की खासियत क्या है, कितने लोगों ने बताया कि इसमें व्हाट्सएप आ गया है, इसमें व्हाट्सएप चलता है, इसमें गूगल मैप चलता है और क्या क्या चलता है वो भी हमको बताया था। किसी ने बोला था कि इसमें हॉटस्पॉट आ गया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हॉटस्पॉट तो कुछ भी नहीं है, इतना सा भी हॉटस्पॉट नहीं आया है। इसमें वाईफाई तो है ही, लेकिन हॉटस्पॉट तो अभी तक नहीं आया। और किसी ने बोला था कि इसमें गूगल मैप आ गया, तो सही है, उसकी बात सही है कि इसमें गूगल मैप तो आ गया है, लेकिन व्हाट्सअप अभी तक नहीं आया है। व्हाट्सअप तो इसमें अपडेट नहीं हुआ है। तो इस मोबाइल में गूगल मैप आ गया है और फेसबुक तो है ही पहले से, फेसबुक तो अभी का नहीं है, फेसबुक तो पहले से ही है, फेसबुक है, गूगल जियो ऐप है और अन्य कुछ ऐप है जिसमें आप इसमें चला सकते हैं। तो ये फ़ोन है जो एक्सचेंज ऑफर वाला था और दूसरा 1500 वाला फ़ोन था, तो इस दोनों में कुछ भी तफावत नहीं है, एक एप्लीकेशन का ही तफावत है और दूसरा कुछ नहीं है। वही 1500 वाला फ़ोन है पुराना, इसमें 6 महीने का बैलेंस फ्री आता है जो हमको डलवाना पड़ता है, 554 रुपये के ऐसा कुछ होता है, 594 ऐसा कुछ रिचार्ज कराना पड़ता है, जो आपको बता देगा। आपको जियो स्टोर में जाएंगे तो आपको बता देगा कि आप एक्सचेंज ऑफर वाला फ़ोन लेंगे तो उसमें एक रिचार्ज करवाना पड़ता है, जो रिचार्ज आपको 6 महीने तक चलेगा और इसमें आप 6 महीने तक अनलिमिटेड बात कर सकते हैं और नेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही कुछ फ़ोन है जो हमारा एक्सचेंज ऑफर वाला और 1500 रुपये वाला का फ़र्क है, दूसरा कुछ इसमें कोई तफावत नहीं है, यही फ़ोन है पुराना और हमारा नया। अभी हमारा जियो 2 आ गया है और जियो 2 के बारे में भी एक वीडियो में बना दूंगा। तो ये जियो 1 का वीडियो था, जो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और दूसरों को दिखाना है तो शेयर कर दीजिए, और हमारी चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बाजू में दिया गया हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जैसे मेरा नया वीडियो अपडेट होगा तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।